Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz and I hope you all must be doing really well. Guys, finally वो time आ चुका है जब NTA ने ये जो examination का application form है NCERT JEE का ये release कर दिया है. ये बात मैंने आपको कल बता दी थी कि NCERT JEE 2021 का exam form release हो चुका है. जिन students का form भरना है वो भर सकते हैं. जो wait कर रहे थे अभी तक मेरी video का कि मैं video लेके आऊँ और आपको बताऊँ कि form कैसे भरना है, तो आज वीडियो लेके आ चुका हूँ. क्लियरली आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ढंग से. अभी थोड़ी देर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि NCERT JEE 2021 के जो फॉर्म है इसे आपको भरना कैसे है, क्या क्या बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है फॉर्म भरते टाइम, तो वो पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ गाइस. इस वीडियो से बने रहें वो चीज देखने के लिए. एक चीज और बता दूं गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी की सारी न्यू अपडेट्स जो भी मेरे चैनल से हैं आपको मिलती रहे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड. तो चलिए गाइस देरी ना करते हुए चलते हैं सीधे NTA की वेबसाइट पे और देखते हैं कैसे भरे NCERT JEE का फॉर्म. सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग. अभी हमें क्या करना है, हमें NTA सर्च करना है गूगल पे. NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो आपको NTA सर्च करना है सिर्फ गूगल पे और उसकी वेबसाइट आ जाएगी. ये मैंने NTA सर्च कर लिया है, यहाँ पर NTA की वेबसाइट आ गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इस पर आपको क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुल जाएगी. यहाँ पर नोटिस दे रखा है, पब्लिक नोटिस 2021 NCHM इंग्लिश. इस पर मुझे क्लिक करना है तो इंग्लिश में सारा कुछ आएगा. ये देखिए पब्लिक नोटिस है पूरा इंग्लिश का. तो बाकी गाइस इसी में ही अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक लिंक दिखेगा, ठीक है. और अगर आप इस फॉर्म को देखना चाहते हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये फॉर्म डाला था, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को देख सकते हैं. आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाना है और नीचे जाके अगर आप देखेंगे तो इस लिंक पर क्लिक करना है. ये लिंक पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से और ये न्यू वेबसाइट आ जाएगी. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है 2021 का, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म NCERT JEE 2021. तो आपको उस पर क्लिक करना है और ये देखिए ये नया पूरा वेबसाइट खुल गया. अभी क्या है कि ओनली रजिस्टर कैंडिडेट्स का अलग होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन का अलग होगा. आपको क्या करना है, आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर वाला भी कोई नहीं, आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन. न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज खुल जाएगा. यहाँ पर दे रखा है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म इमेज अपलोड और फी पेमेंट. चार प्रोसेस है, मैं स्टार्टिंग ये दो बताऊंगा क्योंकि आगे के जो दो हैं इमेज अपलोड और फीस पेमेंट उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है. फीस पेमेंट आप देख सकते हैं जनरल EWS SC ST PWD और ट्रांसजेंडर सबकी अलग अलग फीस है, ठीक है. जनरल की 1000 है जनरल और OBC की, तो उस तरीके से पूरी फीस दे रखी है. फी आप लोग बहुत आसानी से पे कर लेंगे. यहाँ पर फी का भी पूरा इन लोगों ने समझा रखा है, ठीक है. यहाँ पे दे रखा है कि अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट की फोटोग्राफ हो गई, उसके सिग्नेचर हो गए, उसके जो स्कैन इमेजेस हो गई, और कितना KB से कितना KB तक का पूरा फॉर्मेट है वो भी आपको दे रखा है कि इतना KB में ही रखना है, ठीक है. पिक्चर जो है वाइट हो ब्लैक हो कलर्ड हो चलेगी, लेकिन क्लियर होना चाहिए, कंट्रास्ट क्लियर होना चाहिए. बाकी गाइस यहाँ पे पेमेंट का पूरा इन लोगों ने एग्जांपल पूरा समझा रखा है. पेमेंट का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है पासपोर्ट के लिए कि आपको करना है ये, इस पर क्लिक करने के आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और उस पर क्लिक कर दोगे तो नया पेज खुल जाएगा. बाकी अगर यहाँ पे देखो तो ये रजिस्ट्रेशन का नया पेज है. यहाँ पर कैंडिडेट नेम से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है. जो भी आपका नेम हो वो आप अपना नेम यहाँ पे लिख दो. कैंडिडेट नेम अगर आप लिखोगे पर्सनल डिटेल में, उसके बाद वो पूछेगा फादर्स नेम, तो फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, नीचे पूछेगा, ये भी आपको भर देना है. इसमें जो प्रीफिक्स है यानी कि जो आपको लगाना पड़ता है कि मिस्टर मिसेस वो आपको नहीं लगाना है, वो यहाँ पे मना करा है कि वो आपको नहीं लगाना है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे कि प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करना है, तो वो आपको नहीं लगाना है. आपको क्या करना है, जेंडर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है. तो जेंडर हो गया, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया, अभी के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया नहीं आपको, डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल देंगे. अभी क्या है, जेंडर पे क्लिक करना है, जेंडर हो गया, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैं पैन कार्ड कर देता हूँ, पैन का मुझसे नंबर पूछेगा वो भी मैं इसमें भर दूंगा. अभी क्या है, अभी मैं यहाँ पे अपना पैन का नंबर भर दूंगा, जो भी मेरा पैन का नंबर है, ठीक है. आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं, जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन सुटेबल हो. मोस्ट लोगों पे पैन होता है इसलिए मैंने पैन बोला, और मैं पैन का यहाँ पे अपना नंबर भर देता हूँ. पैन का नंबर भरने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, एंटर में आकर करूँगा, यहाँ पे नीचे पहुँचूंगा प्रेजेंट एड्रेस पे. तो यहाँ पे आपको अपने प्रेमिसेस का, अपने घर का कोई नाम हो, ठीक है, वो आपको रखना है. वो अगर है कोई नाम तो वो यहाँ पे लिख दो. वो लिखने के बाद आपका क्या रहेगा, आपका नीचे लोकेलिटी है कि लोकेलिटी आपका अलग है, लोकेलिटी ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो ठीक है, और लोकेलिटी सब लोकेलिटी, बट मैं बोलूँगा कि लिख दो.
जो भी आपकी जगह पड़ती है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो मैं भी अपना लिख देता हूँ नीचे, और यहाँ पर इसके नीचे सब लोकेलिटी जो पड़ता है मेन एरिया वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सब लोकेलिटी लिखने के बाद कंट्री है, कंट्री पे क्लिक करेंगे तो हम नीचे स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब के ऑप्शन आ जाएंगे। स्टेट आपको क्लिक कर लेना जो भी आपका स्टेट हो, लेकिन ये सब पूरा आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन हो वो लिखना, वैलिड इन्फॉर्मेशन जो है। डिस्ट्रिक्ट आपको भी फिल कर लेना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, और पिन कोड वहाँ का आपको इसमें फिल कर देना। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है यार, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कोड मांग रहा है स्टडी लैंडलाइन कोड, कोई अलग अंदर नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो यहाँ पे दिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पर आपको सारी मेल आएगी एनसीएसएम की तरफ से, और मोबाइल नंबर पर ही सारे मैसेजेस आएंगे। और कोई भी पासवर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है। बाकी एड्रेस वो पूछ रहे कि परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करते ही वो हट जाएगा। अभी क्या करना है, पासवर्ड, पासवर्ड आपको अलग तरीके से रखना है, पूरा कैपिटल वर्ड भी लिखना है, फिर छोटे वाले वर्ड्स भी लिखने हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए, फिर बाकी जो बाकी फिर उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे कि हैशटैग होता है, ऐट द रेट होता है, वो सब भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड जो है वो कुछ मुश्किल सा होना चाहिए। तो और ध्यान रहे, पासवर्ड भी कहीं पर लिख लो यार, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो कहीं पर लिख लो, बट पासवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग भूल जाते हैं। वैसे दोबारा आ जाएगा नीचे, वो क्वेश्चन पूछेगा एक कि कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर ले दो, कोई अपने पेट का नाम, पड़ोसी के पेट का नाम, तुम्हारा पहला स्कूल कोई हो गया उसका नाम हो गया, तो वो सब करके सिक्योरिटी भी लिख लेते हैं। फर्स्ट नेम ऑफ योर स्कूल वो पूछ रहा है, फर्स्ट स्कूल का, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ। सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा, जो भी अपनी तरफ से रखना चाहो, ऑफकोर्स जो आपके स्कूल का नाम होगा वही रखोगे, तो वो करते थे। बाकी एंटर सिक्योरिटी पिन, तो अभी नीचे थोड़ा जाएंगे तो वो सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है। सिक्योरिटी पिन दे रखे हैं यहाँ पे T9U149 जो भी है आपका अलग होगा, तो वो यहाँ पे मैं भर दूंगा। ध्यान से भरना यार, अगर गलत होगा तो वो फिर पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा, तो मैं इसे ज़रा ध्यान से भर देता हूँ सिक्योरिटी पिन को, इसे सबमिट कर देता हूँ। वो पूछ रहा है कि फाइनल सबमिट पे क्लिक करना या फिर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना। ये क्लोज करने के बाद वो दिखाएगा दो चीज़ें कि अगर एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और अगर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक नहीं होगा, इसे क्लोज करेंगे हम लोग, इसे अभी क्या करेंगे, इसे हम लोग क्लोज करेंगे, फिर वो हमसे ये दो चीज़ें पूछेगा, तो इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये देखिए थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखी है वो यहाँ पे आ गई, कि हमारा परमानेंट एड्रेस हो गया, हमारी बाकी इन्फॉर्मेशन हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आप लोग फिर से एक बार चेक कर लेना, कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। वो कह रहे हैं कि काइंडली वेरीफाई ऑल पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो, तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें काइंडली वेरीफाई भी करना है, सब पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे डिक्लेरेशन दे रखा है, डिक्लेरेशन पे भी क्लिक करना है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने ट्रू डाली है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी तो। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये सेफ पासवर्ड किसी किसी में पूछता है, मैं अपने में करता हूँ, मैं तो सेव हमेशा कर देता हूँ। अभी क्या कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। ये जो एप्लीकेशन नंबर नीचे दिखा रहा था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा, एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट करके रख लेना, क्योंकि वो आपसे दोबारा पूछेगा जब दोबारा आपको इसमें रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन ना करके आपको जब करना पड़ेगा, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर भरना पड़ेगा। अभी अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर आएँ तो इधर आके देखिए कि नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो नेशनैलिटी भर देंगे, स्टेट ऑफ रेजिडेंस हम लोग भर देंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, तो SC ST कैटेगरी जो भी है बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म में आपको बाद आगे जाके प्रूफ देने पड़ेंगे। तो कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है, 12th कहाँ से करी, टाउन सिटी, वो इसमें भर देंगे। इंग्लिश था कि नहीं परमानेंट सब्जेक्ट, तो ऑफकोर्स था, तभी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास, तो गवर्नमेंट प्राइवेट, ये भर देंगे। अप्लाइड फॉर, आप कौन सा कोर्स है, NCHM JEE, वो तो है ही ऑफकोर्स। अब यहाँ पर क्या है कि अपना जो सेंटर है उसकी आपको चॉइस भरनी है, तो गाइस याद रहिए जो आपका नंबर वन पे सेंटर है, जो आप चाहते हैं सबसे ज़्यादा कि आपको मिले ही मिले वो नंबर वन पे, देन नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, तो प्रेफरेंस इस तरीके से भरना है, क्योंकि इसके ही बेस पे, और जो बच्चा सबसे पहले जो है जिस लोकेशन का भरेगा वो लोकेशनों से मिलते जाएगी, तो ये फ़ायदा होता है स्टार्टिंग में फॉर्म भरने वाले को। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, प्रेफरेंस बड़ा ध्यान से देख के भरिएगा, ताकि वही फिर जो है आपको जगह मिलेगी, जो स्टार्टिंग में भरेंगे उन्हें तो वही मिलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं पहले दूसरी में ही। डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट पे क्लिक कर देंगे, मार्क्स डिटेल पे, सॉरी, तो ये पास्ट है हमारा, कौन से ईयर में पास हुआ था ये भी क्लिक कर देंगे, और नेम ऑफ एग्जामिनेशन 10th हो गया। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मेरा था, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। बाकी नीचे और भी अलग अलग तरीके के बोर्ड दे रखे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, जिस पे आपका जो बोर्ड था वो कर लेंगे। रिजल्ट मोड परसेंटेज, तो CGPA, मेरा CGPA में था, मैं CGPA करके CGPA की इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा इसमें, कि कितनी CGPA मेरी आई थी वो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा।
ये करने के बाद वो ट्वेल्थ के बारे में पूछ रहा है, आगे सेम चीज़ करनी है। अब यहाँ पर अगर मैं पास पे क्लिक करता हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा, तो वो दिखा रहा है कि 2020 में पास हुए थे क्या, क्योंकि मैंने पास पे क्लिक करा है। तो जो लोग अभी 2021 में, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, कि जो अभी पास हुए नहीं है, जो अभी ट्वेल्थ में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए क्या है कि उन्हें ये पास स्टेटस वाला जो है, ये पास का है, इस पर उन्हें क्लिक करना है। और अगर वो क्लिक करेंगे तो फिर वो दोबारा पूछेगा, ठीक है। तो आपको अभी इस पर क्लिक करना है और देख बताना है कि आपका अपियरिंग है, अभी आपने पास नहीं करा है, तो 2021 ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। और फिर नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है वो भी आपको नीचे भर देना है। ये अपियरिंग हमारा हो गया, तो 2021 हमारा हो चुका, नेम ऑफ एग्जामिनेशन ट्वेल्थ हो गया, और बोर्ड जो है आपका भर देना है। मेरा CBSE, अगेन मैं CBSE भर दूंगा, आपका जो है भर देना। फिर फादर्स, मदर्स और गार्डियंस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके फादर मदर नहीं होते, सिर्फ गार्डियन होते हैं, ठीक है। तो फादर और मदर जो है वो कर देना, बाकी गार्डियंस में तो मैं जो मेरे फादर की इन्फॉर्मेशन है मैं वही भर दूंगा, और जो जो आपकी इनकम का है उस हिसाब से भरना। और मैं बता दूँ, जो लोग माइनॉरिटीज़ के हैं तो वो ज़रा थोड़ा ध्यान से भरना, जो आपकी एनुअल इनकम है उस हिसाब से भरना, जो आपकी माइनॉरिटीज़ की होनी चाहिए जिस हिसाब से, क्योंकि बाद में वो लोग वो चीज़ भी देखी जाती है। तो वो थोड़ा आप लोग ध्यान से भरना, माइनॉरिटीज़ की जितनी होती है वो आप करना, ठीक है। तो आप वो कर दिए, बाकी सिक्योरिटी पिन पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कर देते हैं। गार्डियंस वाला भी अभी सिक्योरिटी पिन दे रखा है, इस पर सबमिट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला, तो वो आ जाएगा। फिर इमेज अपलोड वाला, तो इमेज पे क्या है, उसमें तो नॉर्मल इमेज है, जो नॉर्मल इमेजेस हैं उसमें कुछ नहीं ज़्यादा अपलोड करने का, तो वो आप लोग खुद ही भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जिसमें दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। तो दो चीज़ें हो चुकी हैं बस, इमेज अपलोड और फी पेमेंट रहता है। फी की इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, जनरल OBC 1000, जनरल EWS 700, SC STPWD 450 और ट्रांसजेंडर के 450, पूरा यहाँ पे दे रखा है। और अभी जो है कि अपलोड स्कैंड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, पूरा डिटेल्स दे रखा है, कितना KB में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक और व्हाइट चलेगा, बट अभी क्लियर कंट्रास्ट इसका होना चाहिए, वो दे रखा है, तो उसका ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा और नीचे करोगे तो फिर पेमेंट के बारे में भी दे रखा है कि पेमेंट पे एग्जामिनेशन फी बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम सर्विस। नॉर्मली लोग पेटीएम और क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो वो इस तरीके से पेमेंट पूरा कर सकते हैं। तो बाकी तो आगे का कुछ नहीं है गाइस, ये तो कोई भी मतलब बहुत आसानी से कर लेगा। अगर फिर भी आपको इसमें भी प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मुझे इस चीज़ की नीड नहीं थी, दो तक था, मुझे लगा कि वो स्टार्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ। बाकी तो बहुत ज़्यादा ईजी है ये फॉर्म को भरना, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो इमेज की फोटोग्राफ्स है ये भी आप लोग देख लेना, KB जो है वो साइज़ आप उस हिसाब से करना। बाकी और नीचे जाएंगे तो वही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं पासवर्ड को लेके और वही सब चीज़ें हैं, तो वो ध्यान से आप लोग पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले, मैंने सोचा एक बार दिखा दूंगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया हो कि NCERT JEE का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी। नहीं भी थी तो वो भी बताना कि क्या कमियां थी वीडियो में। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए वीडियो देखने के बाद। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना। बाकी अभी NCERT JEE से रिलेटेड बहुत सारी मेरे चैनल पर वीडियोज आने वाली है, तो अपडेटेड रहो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।